नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 के सिक्स मैच में श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अफगानिस्तान को अपने शुरुआती मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 89 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मैच है क्योंकि यहाँ हार उन्हें सुपर फोर की दौड़ से बाहर कर सकती है। अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। ये मैच पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मंगलवार 5 सितंबर को खेला जाएगा। आइए जानते हैं इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के पिछले वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहाँ की पिच न्यूट्रल रही है। आमतौर पर लाहौर की पिच सीमर्स को अधिक उछाल नहीं देती है और गेंद को ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है। अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करना और विविधताओं का उपयोग करना यहाँ प्रभावी होने की कुंजी है। पिच के धीमी होने के कारण बीच के ओवरों में स्पिनर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लाहौर में ऑफ स्पिनरों की तुलना में लेग स्पिनर अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। गद्दाफी स्टेडियम की पिच वैसे तो बल्लेबाजी पिच मानी जाती है, लेकिन यहाँ के स्पिनरों के लिए अच्छी मदद के साथ संतुलित होगी। यह पहली बार का एवरेज स्कोर 252 है। दोनों टीमें इस स्थान पर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी क्योंकि यह मैदान दिन या रात का खेल है। मैच कब, कहां और कैसे देखें? आज मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसे आप लाइव ब्रॉडकास्ट एंड स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार लाहौर में अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मुकाबले में बारिश की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।